तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पिंग प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो, आप में जितने भी बंदे फ्री फायर गेम खेलते हैं उन सभी को कभी ना कभी एक प्रॉब्लम तो आती होगी, उस प्रॉब्लम का नाम है पिंग प्रॉब्लम। और बहुत सारे बंदे ऐसे जिनको डेली की डेली पिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पर आप लोगों को डेली की डेली पिंग प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों को भी नेट प्रॉब्लम आती है पर आप लोगों का भी पिंग हाई रहता है, तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। 100% श्योर हूँ कि अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को कभी भी लाइफ में पिंग प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो भाई, ब्रेक इस टाइम पे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो मेरे देखो, जितने भी बंदे फ्री फायर गेम खेलते हैं उस टाइम पे आप लोगों को दो तरीके की पिंग प्रॉब्लम आती है। पहली तो यह कि आप लोगों का एक साथ 99+ हो जाता है, और दूसरा यह कि आप लोगों का पिंग सही रहता है लेकिन आप लोग ना तो सामान उठा पाते हो ना ही किसी एनिमी को मार पाते हो, आप लोगों को एनिमी उल्टा मार के चला जाता है। ऐसे बहुत सारे बंदों को एक प्रॉब्लम और रहती है कि आप लोग ये सोचते हो कि अगर हमारा बार बार 99+ आएगा फिर हम बार बार गेम से बैक होंगे तो उस टाइम पे हमारी आईडी बैन होगी या नहीं होगी। तो गाइस आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में कि अगर आप लोगों का हाई पिंग रहता है तो उस टाइम पे आप लोग ऐसी कौन सी ट्रिक फॉलो करनी जिससे गाइस आप लोगों का पिंग हाई ना जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको पहले जो कुछ बोलूँ उसको सुनना है, देन उसके बाद आप लोगों को ट्राई करना है। तो आप लोगों को सिंपली अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसे ओपन कर लेना। जैसे गाइस आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम होता है मोबाइल नेटवर्क। जैसे ही आप लोग मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब देखो, आप में से 95% बंदे ऐसे हैं जो कि एंड्रॉइड यूज करते हैं और आप सभी के मोबाइल में दो सिम होती हैं। तो आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी कि जिस सिम में आप लोगों का नेट होता है उस सिम को आप लोगों को फर्स्ट में डालना है, और जिस सिम में आप लोगों का नेट नहीं होता है उस सिम को आप लोगों को सेकंड में डालना है। आप लोगों को सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है कि जिस सिम में आप लोगों का नेट नहीं होता, जैसे अगर आप लोग सेकंड सिम में नेट यूज नहीं कर रहे तो आप लोगों को सिंपली सेकंड सिम पे क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को इसे डिसेबल कर देना। अब इसे डिसेबल करने पर क्या हो कि कई बार आप लोग कॉल आते हैं पर आप लोगों का कई बार नेटवर्क उठ जाता है। तो अगर आप लोग इसे डिसेबल करके रखोगे तो ना तो आप लोग कॉल आएंगे ना SMS आएंगे ना ही नोटिफिकेशन आएंगे। जब जब आप लोग गेम प्ले करते हो तो उस टाइम पे तो आप लोग इसे डिसेबल कर देना, लेकिन जब आप लोग गेम नहीं खेलते हो या फिर आप लोग फ्री हो तो उस टाइम पे आप लोग इसे वापस से इनेबल कर देना। तो ये तो ये आप लोगों के पहले नंबर की ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। तो कहते हो आप में से बहुत सारे बंदे जब गेम प्ले करते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों का पिंग तो सही रहता है लेकिन आप लोग ना तो सामान उठा पाते हो ना ही किसी एनिमी को मार पाते हो, आप लोगों को उल्टा एनिमी मार के चला जाता है। अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग किसी भी बंदे को कितना भी मारते हो उस टाइम पे वो बंदा मरता ही नहीं है, पर आप लोग कोई भी सामान नहीं उठा पाते, तो आप लोगों को आज सिंपली छोटा सा काम करना है कि देखो ये आप लोगों के पिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आप लोगों की गेम की प्रॉब्लम होती है और ये सभी को ही आती है। तो आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों को बेसिक सेटिंग के अंदर आना। जैसे आप लोग बेसिक सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखते हैं, पहला तो होता है क्लियर कैचे और दूसरा होता है आप लोगों को सेंड रिपोर्ट वाला ऑप्शन। तो गाइज आप लोग क्लियर कैचे कर देना और सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को जो गेम होता है वो काट देना कुछ इस तरीके से, उसके बाद आप लोगों को पिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो भाई अभी हम करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 100 डायमंड का गिवअवे और चल रहा है। आप में से किसी भी अगर नंबर बंदे को मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दिए जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज आप लोगों को इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना। ना तो आप लोगों को कोई पैसे देने ना ही आप लोगों को आईडी पासवर्ड देने, बस आप लोगों को अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डालना है। यार देखो, जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो मेरे तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अब मेरे भाई देखो, ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। नीचे की साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा यार, बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाना क्योंकि अभी के टाइम पर चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। तो हो सके तो यार पूरा पूरा सपोर्ट दिखा देना। अभी हम बात करते हैं तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। तो कहते देखो, अगर आप लोगों के पास जियो की सिम है और अगर आप लोगों का पिंग हाई रहता है तो आप लोगों को आज से हमेशा एक काम करना है कि आप लोग अपने किसी भी दोस्त को कॉल कर लिया करो जब जब आप लोगों का पिंग हाई हो। अब गाइस कॉल करने पे क्या होता है वो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार बस मेरे कहने से किसी भी दोस्त को या फिर बनना नेट पे कॉल करके रखना है। हाँ, बनना नेट पे कॉल मत करना, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि आप लोग अपने किसी भी दोस्त, मम्मी पापा, भाई बहन या फिर जिसके साथ आप फ्री फायर खेलते हो उस टाइम पे आप लोग उसे कॉल कर लेना। अगर आप लोग बनना नेट पे कॉल करोगे तो वो वहां पर डाटा यूज कर लिया ऐसा वैसा बोलते रहिए, आपका दिमाग पचा देगी। तो आप लोगों को सिंपली किसी भी दोस्त को कॉल करना। ये वाली जो ट्रिक मैंने बताई वो 100% वर्क करेगी और आप में से बहुत सारे बंदे इस ट्रिक के बारे में जानते भी होंगे। तो गाइस अगर आप लोग इस ट्रिक के बारे में जानते थे पहले से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना कि मनु भाई मेरे को इस ट्रिक के बारे में पहले से पता था। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात। तो यह है आप लोगों का एरोप्लेन मोड। अब आप लोगों को एरोप्लेन मोड जो होता है उसे ऑन ऑफ नहीं करना है। पहले यहाँ पर मैं आपको जो बोलूँ उसे समझना है, उसके बाद आप लोगों को ये ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को डाटा जो होता है उसे ऑफ कर देना। जैसे ही आप लोग अपना डाटा ऑफ करोगे उसके बाद आप लोगों को एरोप्लेन मोड को ऑफ करना है। आप लोगों को 2-3 सेकंड का टाइम लेना है, देन उसके बाद आपको वापस इसे ऑन कर देना। अब जैसे आप लोग इसे ऑन करो तो उसके बाद आपको 3-4 सेकंड
सेकंड के लिए और रुकना है, जिससे गाइज आप लोगों के प्रॉपर तरीके से नेटवर्क आ जाए। देन उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल का जो डाटा होता है उसे वापस से ऑन कर देना है। आप में से बहुत सारे बंदों के ऐसे दोस्त होंगे जिनको हमेशा पिंग प्रॉब्लम रहती है, फिर वो हमेशा पिंग प्रॉब्लम का बहाना मारते हैं। तो आज की इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर याद से कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा के चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।